राजस्थान में पाली जिले के भुमादड़ा गांव के पास सोमवार सुबह करीब 3:30 बजे सूर्य नगरी सुपर फास्ट ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन के 3 डिब्बे पलट गए जबकि 11 डिब्बे पटरी से उतर गए। गनीमत रही कि हादसे में फिलहाल किसी की जान जाने की खबर नहीं है। 24 यात्री घायल हुए हैं, इसमें 4 स्काउट स्टूडेंट शामिल। मौके पर भारी संख्या में रेलवे पुलिस और प्रशासनिक अफसर पहुंच चुके हैं। हादसे के कारण की जांच की जा रही है। हादसे में यात्री बुरी तरह घबरा गए हैं। ट्रेन से अपना सामान निकाल कर पटरी पैदल ही आगे जाते नजर आए। सूर्य नगरी एक्सप्रेस बांद्रा से जोधपुर आ रही थी। रात 2:48 पर मारवाड़ जंक्शन पहुंची थी। यहां से 3:09 पर पाली के लिए रवाना हुई। इसी बीच बुमादरा गांव के निकट हादसा हो गया। ट्रेन के S3 से S5 डिब्बे पूरी तरह पलट गए। हादसे के समय ज्यादातर यात्री नींद में थे। घटना के बाद रेलवे ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। हादसे में घायल हुए यात्रियों में एक महिला गंभीर बताई जा रही है, उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। ट्रेन में कुल 26 डिब्बे थे। बताया जा रहा है कि ट्रेन में 105 से ज्यादा स्काउट गाइड भी थे। ये जोधपुर में होने वाली जंबरी में आ रहे थे। हादसे की सूचना पर स्काउट के गोविंद मीना, जितेंद्र भाटी सहित कई अधिकारी पहुंचे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के निर्देश के बाद हादसे में घायल हुए 26 लोगों को तुरंत मुआवजा भी दे दिया गया। हादसे में कुल 26 लोग घायल हुए। पाली के बंगाल हॉस्पिटल में सोमवार सुबह भर्ती 17 मरीजों को मौके पर ही मुआवजा राशि दे दी गई। यात्री इंदु देवी के पैर में फ्रैक्चर हो गया, उन्हें गंभीर घायल मानते हुए रेलवे ने 1,00,000 रुपए दिए और 23 मामूली घायलों को 25,000 रुपए मुआवजे के रूप में दिए गए। जो यात्री प्राथमिक उपचार के बाद घर चले गए हैं, उन्हें भी रेलवे की ओर से मुआवजा दिया जा रहा है। अचानक से वो आवाज आई कि हम गिर रहे हैं, लेकिन देखा तो सच में हम गिर रहे हैं। मतलब स्पीड में थी, पीछे वाले डब्बे नीचे गिरते गए, जिससे बहुत जनों को चोट आई है और सीट के बीच में फंस गए 90%। जिनकी माइनर इंजरीज हैं, उनको प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी के अस्पताल में ले जाया गया है। इसके अलावा बसेस भी अरेंज की गई हैं ताकि प्रभावित यात्रियों को अपने गंतव्य स्थान पर ले जा सके। वही जोधपुर रूट की 12 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। घटना के बाद हमारे रिपोर्टर मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटना स्थल का जायजा लिया।